सीकर एसीबी टीम ने झुंझुनू के मलसेसर थाने में बड़ी कार्रवाई की है। मलसेसर थाने के हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेके रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने मारपीट के मामले में आरोपियों को मामले से निकालने और एक पक्ष की मदद करने के लिए रिश्वत मांगी थी। एसीबी सीकर के एएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि परिवादी गजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि मलसेसर थाने का हेड कांस्टेबल महेंद्र मीणा मारपीट के मामले में मदद करने के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। महेंद्र मीणा ने मीणा की मामले की जांच कर रहा था। इसके बाद मामले की जांच कराई गई तो सही पाया गया। शिकायत सही होने पर आज एसीबी टीम मलसेसर पहुंची और परिवादी गजेंद्र सिंह को रिश्वत की राशि लेकर भेजा गया। हेड कांस्टेबल ने रुपए लिए। टीम ने मौके पर ही पहुंचकर आरोपी हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया है। रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। परिवादी गजेंद्र सिंह का थाना मलसेसर में प्रकरण दर्ज था। उस प्रकरण में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। तफ्तीश में सही कार्रवाई करने और उसके गजेंद्र सिंह के खिलाफ उस प्रकरण दर्ज के अंदर उसकी मदद करने के लिए आरोपी महेंद्र हेड कांस्टेबल ने 10,000 रुपये की डिमांड की, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से जाने के बाद आज रुपये दिए